ये बहुत कम होता है जब एक अभिनेत्री दूसरी अभिनेत्री की तारीफ करती है, दूसरी अभिनेत्री की तारीफों के पुल बांधती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव होती जाती है कि इंडस्ट्री में एक्टर्स एक्ट्रेस को जो है उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों नागिन 4 की एक्ट्रेसेस की, यानी कि निया शर्मा की और रश्मि देसाई की, तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गई हैं। आइए बात करते हैं कि निया शर्मा ने किस तरीके से रश्मि देसाई के फैंस को कर दिया है खुश। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नागिन 4 की दो नागिनों की, एक निया शर्मा और एक रश्मि देसाई। हालांकि रश्मि का कैरेक्टर जो है नागिन का नहीं था, बट इवेंचुअली वो भसीन का कैरेक्टर था, जासमीन भसीन का, वो चेंज हो गया, ये सब चीज़ें हुई। अब दोस्तों क्या हुआ है, अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे निया शर्मा के लगभग 6 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं, और यहाँ पे निया शर्मा ने बोला कि आस्क अवे, मतलब कि एक उन्होंने एक सेक्शन रखा जहाँ पे जनता को बोलती हैं वो कि आप सवाल पूछिए और मैं उसके जवाब दूंगी। जहां पर आपको बताना चाहता हूं, तो निया शर्मा से पूछा गया सवाल, उनसे पूछा गया कि डिस्क्राइब रश्मि इन वन वर्ड। तो पता है आपको निया शर्मा ने क्या कहा? निया शर्मा ने कहा कि रश्मि देसाई इज अ क्यूट गुड्डी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये क्यूट गुड्डी करके उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर करी है दोस्तों। रश्मि देसाई ने ये बेसिकली शेयर करी है, और रश्मि देसाई और इनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये बात तो हमें क्लियरली तरीके से देखने को मिल गई। अब दोस्तों निया शर्मा और रश्मि देसाई एक बार फिर से पर्दे पर एक साथ कब आएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि नागिन करके दोनों ही एक्ट्रेस बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं, और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। मुझे इजाजत दें आप, बाय।